वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हिमंत एंड यू आर वॉचिंग एस सी गेमिंग। और यहाँ पर दोस्तों पबजी न्यू स्टेट द्वारा एक और टीजर पास किया गया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थोड़ा कलर तो डाल देते भाई, 21वीं शताब्दी में जी रहे हो आप। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हो कि अभी तक मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी है पबजी न्यू स्टेट पर, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं इस गेम में और काफ़ी सारी न्यू चीज़ें भी दी गई है। ऐसा ही नहीं है कि पूरा ओल्ड गेम छाप दिया, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें भी दी गई, जिसमें कि एक मैप भी दिया गया है ट्रॉय का, जो कि काफ़ी अपने आप में ही बेहतरीन है। कल की वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि इस वाले ट्रेनिंग ग्राउंड में जो एक बोर्ड वगैरह होते हैं निशाना चेक करने के लिए, वो नहीं दिखे थे, बट वो इस साइड नहीं है, वो पीछे की साइड हैं ज़रूर। काफ़ी छुपा के दिखाए गए हैं, मतलब दिखाई भी नहीं देते ढंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने जो गन्स है उसके पीछे ये चीज़ दी गई है, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो अपना फायर रिकॉइल वगैरह जो भी चेक करना है। आगे यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका क्रेडिट जाता है पबजी न्यूज़ टेलर को और सेकंड है पबजी NS इंटेल को। यहाँ पर भाई पबजी ने बहुत बढ़िया चीज़ करी है, जैसे कि पबजी मोबाइल में हैकर्स बहुत है तो उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर इन्होंने तगड़ी चीज़ ये की गई है कि अगर आप पकड़े गए भाई ये बैन मतलब हैकिंग वगैरह या फिर कोई भी चीटिंग करते हुए, तो पहले होता था कि आईडी बैन कर देते थे बंदे, दोबारा आईडी बना लेते थे, क्या जा रहा है, वो दोबारा हैक लगा के यूज़ करते थे और एकदम आगे पहुँच जाते, तुरंत पहुँच जाते उसमें तो। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि भैया आपका फ़ोन पूरा ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब आप उस फ़ोन में दोबारा उस गेम को खेल ही नहीं सकते आईडी बनाकर। तो ये बहुत ही मस्त चीज है, ले बेटा आप 4-5 फोन ले तू और लगा है, क्या कर सकता है देखते हैं। अगर ये चीज वास्तव में अच्छी तरह वर्क करती है तो बहुत ही एक साफ सुथरा गेम बनने वाला है पबजी न्यू स्टेट। और ये चीज बिल्कुल सही है यार, एकदम हैकर्स होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। मुझे ये न्यूज़ भाई सबसे बढ़िया लगी है अभी तक की। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, अनसब्सक्राइब जरूर करते हो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर 200 चीज़ें दी गई है आप क्या क्या नहीं कर सकते iOS एंड्रॉइड वगैरह में, तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आई हो कि आप सर्वर जो है बाईपास नहीं कर सकते हो जैसे VPN लगाकर। ये चीज़ COD में भी है, उसमें भी आप VPN लगा के नहीं खेल सकते, बाई चांस कर सकते हो लेकिन कभी पकड़े गए तो खत्म खेल। दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो लोग कहते हैं ना मैं तो हर दूसरा गेम चिकन मारता हूँ, तो भैया तू दिखा तू कितने चिकन मारता है। यहाँ पर जब भी आप चिकन डिनर करोगे तो आपको इस प्रकार का एक गोल्डन मेडल मिलेगा, तो देखते हैं भैया किसके पास कितने मेडल होते हैं, दिखा भाई तू कितने चिकन खाता है, दिखा तू। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ की, जो है बैटल पास। तो जो भी बंदे या फिर बहुत सारे बंदे जो बैटल पास लेते हैं उनको ये जानना है कि बैटल पास का प्राइस क्या होगा। तो बैटल पास का जो प्राइस है भैया कंफर्म तो नहीं है क्योंकि अभी फ्लक्चुएट हुआ था, पहले कुछ बताया जा रहा था उसके बाद उसे कम ज़्यादा करते रहते हैं, तो अभी जो है वो $10 बताया जा रहा है। तो 10 में 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 750, तो इतने रुपये का आपको मिलेगा अभी की न्यूज़ से। हो सकता है गेम लॉन्च होने पर वो बढ़ा दें क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है घटा दें क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो भाई मार्केटिंग का नज़रिया है, वो देखते हैं क्या करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि 750 भैया कम नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मल लोग नहीं लेंगे। लेकिन जैसे कि COD मोबाइल ने करा था भैया 220 का कर दिया था, कई लोगों को 220 का मिल रहा था जिन्होंने बीटा वर्जन नहीं खेला था, उनको तो 220 तो यार हर कोई एक बार दे देता है, मैंने भी लिया था एक बार। तो जितना कम रखते हैं उतना ज़्यादा मार्क मतलब लोग लेते हैं ये बैटल पास वगैरह, तो देखते हैं ये लोग कम करते हैं या नहीं करते। अपकमिंग पोस्टर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर न्यू स्टेट के, जो कि काफ़ी शानदार और जानदार हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बताया जा रहा है कि स्क्वाइड गेम के साथ कोलैब हो सकता है, बट अभी श्योर नहीं है। लेकिन एक चीज़ श्योर है वो है हैप्पी दिवाली विद पबजी न्यू स्टेट। तो अगर आपने अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दो, क्योंकि आपको इसमें जो कार स्किन्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। पर गेम भी यार ये दिवाली को ही दे देते तो ज़्यादा मज़ा आता यार, रात में एकदम धमाकेदार आतिशबाजी कर देते। लेकिन 11 तारीख को दे रहे हैं, अभी तो थोड़ा टाइम है, यहाँ पर 9 दिन बचे हुए हैं अभी भी जब से ये पोस्ट आई है, लेकिन आज से तो 8 ही दिन है। न्यू शेड में जैसे कि मैंने दिखाया कुछ एक कैरेक्टर भी आपको अच्छे अच्छे दिखाई देंगे, तो उसमें से एक है सैम बेरी, ठीक लग रहा है देखने में वैसे कैरेक्टर। यहाँ पर 2 धांसू मैप आपको देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको कौन सा मैप ज़्यादा पसंद आया है, ट्रॉय या फिर एरेंगल 2051। मुझे अगर सच बताऊँ तो ट्रॉय ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि भैया एरेंगल तो हम बहुत बार खेल चुके हैं, वो रीमास्टर भी हो गया था पबजी में, तो फिर भी उसे खेल लिया है तो अब बहुत हो गया। तो अब ट्रॉय देखते हैं, ट्रॉय मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं सब कुछ बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे इस तरीके नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।